Hi everyone, welcome back to my channel and how's you all guys? I hope आप सब अच्छे होंगे एंड आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 to 7 cleansers for winter. वैसे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, लाइक जेल बेस्ड क्लिंजर जो थोड़ा बहुत फॉर्म और लेदर क्रिएट करते हैं, एंड सेकेंड इज क्रीम एंड लोशन बेस्ड क्लिंजर जो बिल्कुल भी फॉर्म और लेदर क्रिएट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जेंटल होते हैं. ये क्लेंजर्स बेस्ट होते हैं ड्राई स्किन टाइप के लिए, बट मैं विंटर में मॉर्निंग में क्रीम और लोशन बेस्ड क्लेंजर यूज करती हूँ एंड नाइट टाइम में यूज करती हूँ जेल बेस्ड क्लेंजर्स. सो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो क्लेंजर जो बिल्कुल भी फॉर्म और लेदर क्रिएट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जेंटल है, क्रीम एंड लोशन बेस्ड है. सो फर्स्ट आई हैव दिस डर्माको 1% सरामाइड मिल्की जेली क्लेंजर एंड ये बहुत ज्यादा जेंटल है, फॉर्म और लेदर क्रिएट नहीं करता है एंड इसमें की इंग्रेडिएंट है सरामाइड्स, ओट एक्सट्रैक्ट एंड नियासरामाइड. I really like this cleanser and ये almost empty है. And this one suits for all skin type. And if you're looking for affordable, fragrance-free, gentle cleansers for winter, it's a really good option. And इसका जो texture है something like you know gel or milky kind of है and ये बहुत ज़्यादा gentle है. And second I have this Conscious Canvas का hydro gentle hydrating cream cleanser and इसका जो texture है something like cream और जेल बेस्ड है एंड ये भी फॉर्म और लेदर क्रिएट नहीं करता है एंड इसमें की इंग्रेडिएंट है सरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड एंड गिंगसेंग एक्सट्रैक्ट. सो इसमें सूदिंग, हाइड्रेटिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज है एंड मुझे पर्सनली ये भी पसंद आया एंड मैं इसको करेंटली मैं यूज कर रही हूँ अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में. यस, एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. इसमें थोड़ी सी नेचुरल वियर्ड फ्रेग्रेंस है बट पावरफुल नहीं है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन एंड अगर आपको ये अच्छे डिस्काउंट मिल रहा है देन गो फॉर इट. एंड लास्ट जो क्लेंजर है वो है क्लेंज मी क्लेंजर एंड अगर आपकी स्किन ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप है तो आप उसको विंटर में यूज कर सकते हो. मैं यहाँ पे दे दूंगी, एक्चुअली मैंने उसको बहुत पहले यूज किया था बट अभी मेरे पास कहाँ रखा है डोंट नो एंड इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी. तो मैं आपके साथ उसका टेक्सचर भी शेयर नहीं कर सकती हूँ बट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया होगा. दिस इज अ रियली गुड क्लेंजर एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है देन गो फॉर इट फॉर विंटर. ओके, अब जो मैं आपके साथ क्लेंजर शेयर करने वाली हूँ वो जेल बेस्ड है बट थोड़ा बहुत फॉर्म और लेदर क्रिएट करते हैं बट बिल्कुल भी स्ट्रिपिंग और ड्राइंग नहीं है. सो फर्स्ट आई हैव दिस फॉक्सटेल हाइड्रेटिंग क्लेंजर एंड इट रिमूव्स डर्ट, इम्प्यूरिटीज, मेकअप. मीन्स आपको डबल क्लिंजिंग की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस क्लेंजर को यूज कर सकते हो. ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है एंड इसका जो टेक्सचर है समथिंग लाइक जेल बेस्ड है एंड ये थोड़ा बहुत फॉर्म क्रिएट करता है बट बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है एंड सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप. बट अगेन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई प्लस सेंसिटिव है सो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगी. एंड इसमें भी फ्रेग्रेंस है बट आई रियली लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस क्लेंजर. इट्स रियली गुड एंड ट्राई इट. You won't regret. It's really good. Next, I have this Conscious Chemist Berry Bright Soothing Calming Face Cleanser and इसमें key ingredient है niacinamide, oat milk and berry complex. And इसका जो texture है something like you know gel or cream based है and ये थोड़ा बहुत foam create करता है, ज़्यादा create नहीं करता है. But ये बिल्कुल भी drying नहीं है. Even अगर आपकी dry skin type है तभी आप इसको try कर सकते हो. I really like it. And इसकी fragrance मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. एंड द थिंग इज इसमें सूदिंग, कामिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज हैं. सो यस, इट्स गिव मी अ ब्राइटनिंग, थोड़ा बहुत ब्राइटनिंग इफेक्ट एंड हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग इफेक्ट दे रहा था. सो इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, ट्राई. एंड वन मोर क्लिंजर जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है एंड थोड़ा बहुत फॉर्म और लेदर क्रिएट करता है, जेल बेस्ड है, अफोर्डेबल है, जस्ट उसमें फ्रेग्रेंस है, दैट इज अ जॉय का क्लिंजर. आप वो भी ट्राई कर सकते हो, मैंने पहले भी उसका रिव्यू किया है. एंड द लास्ट वन इज प्लम सैफ्रॉन पपाया ग्लो ब्राइट फेस वॉश एंड इसमें की इंग्रेडिएंट है ऑफ कोर्स सैफ्रॉन, पपाया, विटामिन B5 एंड ग्लिसरीन. एंड इसका जो टेक्सचर है समथिंग लाइक जेल बेस्ड है एंड थोड़ा बहुत फॉर्म क्रिएट करता है बट बिल्कुल भी ड्राई नहीं है. इट्स हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप. बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन टाइप है देन डोंट ट्राई दिस क्लेंजर. ड्राई प्लस सेंसिटिव, नॉट ऑयली, एक्ने प्रोन प्लस सेंसिटिव है तभी आप उसको ट्राई कर सकते हो. जस्ट इसमें भी फ्रेग्रेंस है बट आई डोंट माइंड. एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है इट्स रियली अमेजिंग एंड इसमें भी सूदिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट है तो इट्स गिव मी अ थोड़ा बहुत ब्राइटनिंग इफेक्ट तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. आई रियली लाइक दिस क्लेंजर.
I guess this one is one of my favorite or current favorite cleansers, you can say. And here's the video end, and I hope you found this video helpful. If yes, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Until see you next, bye bye and thank you for watching.